सो हेलो दोस्तों, हाई व्हाट्सअप में बोलूँगा, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो आज मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा टेक्निकल ब्लॉग्स तो थोड़े डाले हैं अपने चैनल पर आज सोच रहा था कि कुछ अलग डालता हूँ। तो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि ये म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स का मुझे काफ़ी लोग ने, दोस्तों ने बोला था कि म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार होता है। उन्होंने भी किया था, लाइक काफ़ी चीप होता है देखा जाएगा तो। मिडिल क्लास वो सब तो अफोर्ड ही कर सकते हैं, बट बोलते हैं कि वहाँ की सर्विसेज, वहाँ के डॉक्टर्स मतलब इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, तो दैट्स वाई वो जा नहीं पाते। तो आई वॉज लाइक कि मुझे सर्दी भी थी, कान में भी पेन था, ये कान में मतलब कुछ पस जैसा आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मुझे क्या, मेरे डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, मतलब एयर स्पेशलिस्ट। तो आई वॉज लाइक कि जाते हैं अब वहाँ पर, तो तब तक के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अब निकलता हूँ वहाँ पर के लिए। तो जाने के टाइम पे व्हाट वी कैन डू दे, हम लोग यहाँ से मुलुंड वाले हॉस्पिटल में जाएंगे फिलहाल तो, और मुलुंड वाले हॉस्पिटल में जाने के बाद देखते हैं वहाँ की सर्विस कैसी होती है। टिल देन मैं रेडी तो हो चुका हूँ पूरा, लेट्स सी क्या होता है। तो फाइनली पहुंच तो गए हम लोग यहाँ पर, तो लेट्स सी, अंदर से अभी पर्ची वर्ची लेनी पड़ेगी। अभी किसी ने तो बोला कि शायद से गर्दी हो सकती है वहाँ पर, तो लेट्स सी क्या होता है। पहले पूछ रहे तो कहाँ पर अवेलेबल होती है वो पर्ची, तो उसके बाद ही पता चलेगा। बोल तो रहे रश होगा काका, हे कूपन को रिसिप्ट टूटे बैठना, पर्ची वर्ची पेपर कान दाखवे होता इकड़े का लाइन असेल का आतमध्ये। पर्ची पहले ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो लेट्स सी उसके बाद, ठीक है। टिल देन यहाँ पर सब पर्ची तो मिल चुकी है, तो लेट्स सी 16 नंबर में जाने के लिए बोला है, तो इट्स लाइक 10:05 नाउ। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके बाद देखते हैं टोटल कितना टाइम लगता है। तो अभी 10:10 तो हो चुके हैं, 10:05 आई गेस। हाँ, तो पर्ची यहाँ पर है, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। लाइन तो काफ़ी बड़ी लग रही है यहाँ पर, तो देखते पूछते हैं 16 नंबर का कहाँ पर है। काका 16 नंबर कुछ है कान से दाखवाच है 16 नंबर पार्टी मांगी यहाँ पर। तो इवन आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पर क्या होगा। 16 नंबर हाँ मिल तो गया है, तो लाइन तो लग रही है थोड़ी सी, तो देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। तब जल्द मिलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल पहले 10-15 लोग थे, तो अभी यहाँ पर बचे हैं कुछ 4 या 5 लोग मेरे आगे। तो आई थिंक सो इट विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स तो डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। टाइम तो काफ़ी लग रहा है, तो देखते हैं। और ये सिर्फ चेकअप ही होगा यहाँ पर, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कान का एक्सरे निकालना पड़ा या कुछ निकाल, माइनर प्रॉब्लम रही तो देखें डू, नहीं तो बाकी बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर भी मुलुंड वाले हॉस्पिटल में तो पॉसिबल नहीं होंगे। तो देखते हैं अब, 3, 1, 2, 3, 4 लोग हैं मेरे आगे। अभी एक पेशेंट के साथ लोग डील कर रहे हैं, तो देखते हैं अंदर क्या होता है। तो फाइनली अब नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, तो अंदर अभी जाऊंगा मैं। तो अंदर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो वैसे सामने तो नहीं रखूंगा, बट मोबाइल उल्टा करके रख दूंगा ताकि आवाज़ें सुन देखिए एक्चुअली डॉक्टर बोल क्या रही है, और पता तो चले हम लोग को कि ये 10 रुपीज़ में कैसा ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इनकी सर्विसेज बेस्ट है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, तो देखते हैं। Gracias.
काम में से एक्चुअली सर्दी का पहले तो पानी आ रहा था थोड़ा सा, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया था तो उन्होंने बोला कि एक बार ये कान वाले डॉक्टर को दिखा दीजिए, थोड़ा सा पेन हो रहा है। पानी आया है क्या अभी भी? है क्या अभी? सो फाइनली हो तो गया है। तो देवर लाइक की आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी कुछ, और एयर ड्रॉप्स दिए हैं। तो बोले थे कि कचड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ सर्दी की वजह से ही है, तो उन्होंने क्लीनिंग तो की है। अब उसके बाद जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो टैबलेट के लिए वहाँ पर जाएंगे, तो टैबलेट के लिए उन्होंने कुछ तो लिख के दिया है, तो वहाँ पर जाके आ गई है। तो टैबलेट तो उनकी तरफ से फ्री मिलेगी, बाकी एयर ड्रॉप्स मुझे मेडिकल वाले के यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो सब तक के लिए सी ऑफ। तो टैबलेट के लिए भी फिलहाल तो लाइन ही है, तो देखते हैं। यहाँ पर टैबलेट के लिए भी लाइन ही है। तो टैबलेट है ड्रॉप बाहर सर है कितनी गए गए सर? दोन टाइम। इतना सारा टैबलेट? एक सेकंड अब। तो फाइनली मैंने दवाई तो ले ली है यहाँ से। अब दवाई लेने के बाद दवाई की क्वांटिटी आप देखिए, मतलब सिर्फ मैंने 10 रुपये पे किए थे, 10 रुपये में इतनी सारी दवाइयाँ दी गई हैं। लाइक क्या क्या है आपको दिखाता हूँ एक बार। 1, 2, 3, 4, 5 इतनी सारी हैं। तो पता बोला तो गया है कि एक एक दिन में दो दो दवाइयाँ मतलब लेनी है, तो सुबह शाम जैसा भी रहेगा तो मैनेज करना पड़ेगा खाना खाने के बाद। एक और हर्ज ये भी है, ये अंदर छुट्टी हुई थी। तो अब देखते हैं, 3-4 दिन तक ये दवाइयाँ लेते हैं, स्टिल ठीक नहीं हुआ तो आगे देखते क्या करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ दिस इज़ द टोटल अमाउंट एक्चुअली। अभी मैं जितने बार भी हूँ, शायद से ये 10 दिन का टेन्योर है कि मैं अगर 10 दिन तले ठीक नहीं हुआ या मैं बीच में भी आ सकता हूँ मतलब, और वो मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ भी पे नहीं करने पड़ेंगे, वो उसमें ही अकोमोडेट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो अब देखते हैं कि दवाइयाँ असर करती है कि नहीं है। तो तब तक के लिए सी या बाय बाय। मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आज वैलेंटाइन था और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो हॉस्पिटल के चक्कर मार रहा हूँ। तो देखते हैं, और शाम को फिर घर पे ही जाना हो तो कुछ है नहीं वैसे। तो तब तक के लिए बाय, सी या नारा, टेक केयर।